हेलो फ्रेंड्स, मैं देव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट वॉल पर। आज का हमारा ये वीडियो SSCC XSL 10+2 के ऑनलाइन आवेदन के ऊपर बनाया गया है। यहां आपको बताया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर यहां पर अपना ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल द्वारा कैसे फिलअप कर सकते हैं या दोस्तों, और यहाँ पर अपना चालान का स्टेटस आदि, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पे लाइव आपको ऑनलाइन आवेदन द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम सीधा चलते हैं ऑनलाइन स्क्रीन पर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट होगी वो आपको मिले। सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें टाइप करना है www.sarkaririzult.com। यहाँ पर हमको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम SSCC XSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका स्टेटस, इसका वीडियो भी हमने पिछले पिछले वीक में यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर अपना उस वीडियो के द्वारा आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपन को लॉगिन आईडी का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर जिस कैंडिडेट ने पहले SSC का फॉर्म भर चुका है, वह यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर द्वारा व पासवर्ड द्वारा यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। और जो पहली बार SSC द्वारा ये भर रहा है, वह अपना न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर इस प्रकार का वह अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर सकता है। ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फ्लिप करके वह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर जिसका पहले से SSC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले से फॉर्म भरा हुआ है, मैं उसका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरूँगा। तो मेरा पहले से यहाँ पर SSC द्वारा फॉर्म भरा हुआ है, मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन पर जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पर मेन जो अप्लाई फॉर्म है वहाँ पर ले जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी यहाँ पर कंप्यूटर 10+2 का यहाँ पर SSC CGL का ये अपना नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई का, प्रिंट का, डाउनलोडिंग का, चालान का, ये सभी आ गया। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको केवल तीन ही ऑप्शन पर करना है। सबसे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद अपना पेमेंट पे करना है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है। या दोस्तों पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद ही आप प्रिंट आउट करें, डायरेक्ट प्रिंट आउट ना करें। तो यहाँ पर मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये सभी नोटिफिकेशन, मेरी जो पहले SSC द्वारा जो फॉर्म फिल किया हुआ था वो यहाँ पर मेरा पूर्ण रूप से यहाँ भरा हुआ है। कुछ जो ऑप्शन न्यू है 10+2 के, वो यहाँ पर मेरे को देखने के, मेरा SSC का यहाँ पर पहले से फॉर्म फिल था, पहले वाला जो SSC 10th वाला था, तो यहाँ पर मेरा सारा फॉर्म ये फिलअप किया हुआ मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। तो जो न्यू जो अपडेट्स है, बस केवल मेरे को वही यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों सारी डिटेल यहाँ पर अपना फिलिप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि ये सारी मैं डिटेल यहाँ पर अपना फिलिप, मेरे पहले से यहाँ पर फिलिप की हुई है। इससे रिलेटेड अगर दोस्तों कुछ भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वह हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना, यहाँ पर आपको जिला जो यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट, यहाँ पे जो मेरा ये एग्ज़ाम सेलेक्ट है जो किया हुआ, नहीं तो मैं यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे तीन एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। सेकंड में मैं अलवर सेलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड में अलवर सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपन नीचे जो भी डिटेल यहाँ पर हम आपको फ्लिप करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर ले, जो न्यू अपडेट जो होगी वो आपको ज़रूर मिले। नेक्स्ट हमारा वीडियो राजस्थान पुलिस के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का दोस्तों आपको हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना है, इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है, ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
क्योंकि SHCCL में टाइपिंग टेस्ट का जो डाटा है ऑपरेटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, जो आप चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी। ये सभी डिटेल आपको फ्लिप करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन पर हमें जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का हमें पेमेंट यहाँ पर इशू मिलेगा। यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा आप अपना यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, डिटेल, जो भी आपका कार्ड वो सबको यहाँ पर डालना है। और आपको यहाँ पर अपना जो अमाउंट जो SSC द्वारा जो पे है वो अमाउंट यहाँ पर आपको करना है, पे करना है। अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।